हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल श्रुति क्रिएशन। और आज हम ट्राई करने जा रहे हैं बिल्कुल सादियों वाली मशरूम मटर मसाला की रेसिपी। मशरूम और मटर का कॉम्बिनेशन बहुत ही बेहतरीन रहता है और इसे बनाना बहुत आसान है। तो चलिए मशरूम मटर मसाला बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने लिए 2 पैकेट बटन मशरूम। इसे हमने अच्छे से धोकर साफ करके रख लिया है। विंटर में मशरूम बहुत आसानी से मिल जाते हैं, तो आप कोशिश करें ताजी मशरूम ही लें। और हमने लिए 2 मीडियम साइज के टमाटर, 1 शिमला मिर्च, 4 हरी मिर्च, अदरक, 3-4 मीडियम साइज के प्याज और 1 कटोरी मटर। और हम मशरूम को इस तरीके से काट लेंगे। इससे मशरूम शादी और रेस्टोरेंट जैसी लगेगी। सारे मशरूम को हम काट लेने के बाद हम गैस पे एक कढ़ाई को चढ़ा देंगे और इसमें हम 2 चम्मच सरसों के तेल डाल देंगे और इसे अच्छे से गर्म होने देंगे। जब ये अच्छे से गर्म हो जाए तब हम प्याज को काट कर डाल देंगे और इसे हम लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। और अब हम इसे ढक देंगे और इसे हम बीच बीच में चलाते रहेंगे जब तक ये अच्छे से लाइट ब्राउन ना हो जाए। ये देखिए, प्याज अब लाइट ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसमें 2 टमाटर को बारीक काट कर डाल देंगे और इसे भी प्याज के साथ हम 1 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे हम मिक्सचर जार में डाल देंगे और इसकी हम बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल इस तरीके से। फिर दोबारा हम इसी कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच सरसों के तेल डाल देंगे और इसमें हम चुटकी भर जीरा डालकर इसे हम चटकने देंगे। जब ये अच्छे से चटक जाए तब हम इसमें 2 तेज पत्ते और 2 लाल मिर्च डाल देंगे और इसमें 1/2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालकर इस 1/2 मिनट तक हम मसालों को अच्छे से भून लेंगे। और इसी के साथ हम इसमें प्याज और टमाटर के बनाए पेस्ट को इसमें डाल देंगे और इसे भी हम मसालों के साथ अच्छी तरीके से इसे भून लेंगे। ऐसे करने से सब्जी बहुत ही मसालेदार लगती है। और हम इसमें 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, इससे बिल्कुल ये शादियों जैसा लुक आएगा। और अब हम शिमला मिर्च और हरी मिर्च को भी डाल देंगे। इसे हल्का मिक्स करने के बाद हम इसमें मटर डाल देंगे। इन सब्जियों को हमेशा लास्ट में डालें, वरना ये ओवर कुक हो जाती है। और इसे हम 1/2 मिनट तक ढक देंगे ताकि मटर हल्का अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए, मसाले अच्छे से भुन गए हैं। और अब हम इसमें मशरूम को डाल देंगे। मशरूम को हमने कुकर में 1 सीटी लगा दिया है और इसे हम मसाले में थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। और अब हम इसमें थोड़ी पानी डाल देंगे। ये जार में मसाले लगी हुई थी तो उसी में हमने थोड़ी पानी डालकर इसे हमने डाल दिया है। इसे मिक्स कर लेंगे और लास्ट में इसमें नमक डाल देंगे। नमक आप अपने स्वाद अनुसार ही डालें। और इसे अब हम 2 मिनट के लिए ढक देंगे। और ये देखिए, बिल्कुल मसालेदार और चटपटी सब्जी बनकर तैयार हुई है और इसकी ग्रेवी भी बहुत बढ़िया बनकर तैयार हुई है। और लास्ट में हम 1 चम्मच गर्म मसाला का पाउडर डाल देंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए, बहुत ही कम मसाले में बहुत ही बेहतरीन मशरूम मटर मसाला सब्जी बनकर तैयार हो गई है। और इसे हम धनिया पत्ते से गार्निश कर लेंगे। इसे ढककर हम गैस को बंद कर देंगे। है ना बिल्कुल मुंह में पानी आ जाने वाली मशरूम मटर की सब्जी। इसे आप गर्म गर्म रोटी पराठे या फिर पूरी के साथ खाएं। ये बहुत ही टेस्टी और झटपट बन जाने वाली सब्जी है, तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ।